मैंने सुना था कि भगवान का नाम हर किसी के मुख से निकलता नहीं बड़ी आसानी से। मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता होगा, कृष्ण नाम बोलने में क्या प्रॉब्लम है, राम नाम बोलने में कोई प्रॉब्लम है, कृष्ण नाम तो फिर भी थोड़ा टेढ़ा है, कृष्ण जीभ टेढ़ी करनी पड़ती है, मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, राम तो सीधा है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है बोलने में। तो मैंने अपना फर्स्ट मैंने जो है अपना अनुभव किया, पहली बार एक लड़का था, एक छोटा लड़का जो है भीख मांग रहा था, तो मैंने उसको मोमेंट से भी बोला, बोले उस समय मैं विद्यार्थी था, तो बोले मुझे कुछ आप भीख मांग रहा था, मैंने बोला ठीक है आपको आपको एक रुपया दूंगा, आप एक बार जो है हरे कृष्ण बोलो। बोला ही नहीं। तो मैंने कहा भाई हरे कृष्ण बोलने में क्या है, मैंने बोला 5 रुपये दूंगा, हरे कृष्ण बोलो, कोई मुश्किल था हरे कृष्ण बोलना बताइए, वो बोला ही नहीं। मैंने 2-3 बार बोला, 4 बार बोला ही नहीं वो हरे कृष्ण। तब मुझे समझ में आया, नहीं बोलते, तब मुझे समझ में आया कि जो चीज बच्चों सुनते हैं, बोले हरे कृष्ण के नाम से भगवान कृष्ण और विष्णु का नाम निकलता ही नहीं, राम जी का नाम निकलता ही नहीं। तो ऐसे ही जो है